দুনো শ্বশুর বাদ গ্রামে ঠিক बैकग्राउंड लेना ज़रूरी है मुझे। हेलो मैं हूँ, आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं हूँ रिंकी, यूपी ब्लॉग आगरा से। और आज मैं अपने बेबी को सेकंड टाइम स्कूल छोड़ने के लिए आई। फर्स्ट टाइम तो बहुत ही रोना भरा था, मतलब वो दिन उसका भी मेरा भी। सो मैंने नई वीडियो शूट किया और सेकेंड डे में मैं उसके प्रिंसिपल रूम में सारे कैमरे चेक कर लिए कि उसको मारा कि नहीं मारा। वो बहुत दुखी है और उदास है अभी भी, सारे सारे बच्चों के साथ होता होगा। और मैं उसके स्कूल के साइड से ही होके जा रही हूँ, मैं ही उसको सुबह छोड़ने आई। और ये मेरे पास ट्राईपोड नहीं है इसलिए मुझे ऐसे ही हाथों से पकड़ना पड़ रहा। और ये बाहर का व्यू है, मैं बाहर बहुत ही कम आती हूँ। चलिए मिलते हैं आगे पहुँच के, घर पे पहुँच के उसके बाद मैं बताती हूँ और क्या क्या हुआ आज। तो पता नहीं, दिन तो बहुत तकलीफ करा, छोड़ा नहीं जाता अपने बच्चे को कहीं अकेला। पता नहीं लोग कैसे छोड़ देते हैं, आदत डालनी पड़ेगी हमें अच्छे से छोड़ने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो वो देखते हैं आज का सेकंड डे कैसा जाता है। फर्स्ट डे तो उसके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए बहुत डेंजर था, बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। आई होप ये वाले डे जो हैं वो अच्छे जाएं। देखते हैं, अब 10:30 बजे उसको लेने आना है। चलिए रेडी होके आते हैं और फिर लेते हैं, चिंता बच्चों की बहुत होती है। एक सेकेंड, साइड में ना एक मंदिर पड़ता है भोले बाबा का, बहुत ही पुराना है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, और मैं जब यहाँ आई तो मैं इनके दर्शन क्यों ना करूँ। अब देखिएगा पार्किंग में, यहाँ जन्माष्टमी जब सस्ती है ना, बहुत खुशी होती है। जय बाबा जी, ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। देख रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है ये बरगद का। चलिए चलते हैं आप सीधे घर। क्योंकि मुझे आज भी मंदिर ही जाना है। शॉपिंग की हुई है अपने बेबी के लिए, इसके कुछ क्लोज लेकर आए जिससे अभी स्कूल में आए जाए तो नेक चेंज करके जाए। और उसका लंच बॉक्स भी लेकर आए साथ में, अभी तो वाइट वाला, अब फिर उसके बाद में ब्लू, जिससे मतलब खाना अंदर का ना दिखे। और काफ़ी सारा सामान लेकर आए, अभी कुछ किया नहीं है, ये मैं पूजा भी कर आई। और ये अपने बाथरूम के टाइल्स के लिए लेकर आई, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। और इसकी पानी की बोतल, बहुत खुश आई है इसको देख के। और ये मैं अपने किचन के लिए लेकर आई, जिसने पानी भर दिया इसमें। सो चलिए और मैं आपको दिखाऊँ इसका सबसे बड़ी चीज़ अभी। हाँ ये रहा इसका बैग, ये इसका स्कूल बैग, कितना क्यूट लग रहा है ना। जब ये यूनिफॉर्म में रेडी होगा ना तब आप इस देखिएगा, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये इसका स्कूल बैग। तो बोला कैसा लगा स्कूल में जाके, मजा आए, अच्छी है, मजा आए। ओफो
और अभी तुम क्या खा रहे हो? कोकोनट कोको। और मैं आपको, मैंने और भी सामान लिया था शायद, मैं आपको पता नहीं, और टी शर्ट तो मैंने दिखा दी लाल। और मैं अभी ना ये मैंने पोछा भी ले लिया था पर फिर भी एक्स्ट्रा ले लिया, और पता नहीं मैं खुद ही भूल गई क्या क्या लिया है। ये मम्मी के हैं बाहर, और पैसा कहाँ है मेरे पहले के? एक नाइफ और एक ये छुरी और ये दो, और नहीं नहीं पेन ही है बहुत। ये इसको क्या हो गया? पानी खाए। चलिए। और आज मार्केट में डोलते डोलते मुझे आ गए मार्केट में चक्कर, सो फिर जल्दी भागे और घर पे आए, सोडा वोड़ा पी के थोड़ा सा रिलैक्स हुई। इनफैक्ट मैं वहाँ पे फैली गई, पता नहीं देखने का शरीर और मैं जानने या फिर धूप ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि नहाकर गए थे और गिरा गिरा था सर था, सर था और धूप एकदम पड़े जा रही थी, और शायद उसकी लोट की वजह से हो गया होगा, और मुझे एकदम चक्कर आ गया, मैं एकदम ब्लैंक हो गई, पता नहीं क्या। चलिए आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो जी, आप सबको मेरा नमस्ते, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं उनकी यूपी ब्लॉग आगरा से। तो ये मतलब मेरे पास वीडियो थी, हम मतलब हो गए 3-4 हफ्ते तो हम घूमने गए थे, और मैंने इसका क्लिप बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है यूट्यूब पे आप सबके साथ, तो मैंने सोचा कर दूँ मैं। तो ये जोधाबाई महल है, वैसे तो इसको पंचमहल कहते हैं हम लोग। फतेहपुर सीकरी में है, आगरे में ही है फतेहपुर, उसमें सीकरी भी लगती है, तो वो दरगाह है फतेहपुर की, और उससे 2-3-4 कदम आगे चल के ये महल है, और बहुत ही खूबसूरत है, इसको पंच महल कहते हैं। इतना ही मुझे तो बहुत पसंद है, तो हम ये पूरा घूम कर आए, सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ ये पंच महल कैसा है, तो आप भी देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और टाइम मिले तो कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़। और ये काफी मतलब पांच क्या पंच महल मतलब पांच रानियां थी। ये फ्रिज में रख दो वापस। और ये आज अपने स्कूल का जो भी सामान आया इसका ये बड़ा खुश है, बस अब इसकी ड्रेस और कुछ सामान मतलब बुक वगैरह चाहिए। लाल तो इसका पढ़ने का काम नहीं है, प्ले ग्राउंड में है इसके एडमिशन, तो अभी तो सिर्फ बैठना बोलना जो स्पेलिंग होती है उसको पहचानना ये सब सीख जाए। काफ़ी खूबसूरत है ये पंचमहल, काफ़ी जगह तो मतलब अब बंद हो चुकी हैं पंचमहल की, और मतलब कम से कम हो गए बंद किए हुए 7-8 साल, पहले तो पूरा खुला था, अब तो म्यूज़ियम सब बन गया है इसमें भी, तो अब मज़ा नहीं आती इसमें घूमना, अच्छा नहीं लगता, पहले ज़्यादा मज़ा आते थे। हर जगह प्राइवेसी सी लग गई है, खम्भे खड़े कर दिए 4-4 अगली बगली। मैं आपको ये बैकग्राउंड की नहीं बता रही, इनके जो अंदर ये जो दिख रहा है ना इसके अंदर कोई चीज़ मतलब अच्छी है या पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो उसको मतलब लॉक कर दिया इन लोगों ने, म्यूज़ियम टाइप में मतलब बदल दिया उसको, तो ये चीज़ बहुत ख़राब कर दिया अभी इन्होंने। और अभी भी घूमने लायक जगह है, अच्छी लगती है। आप लोग कभी आगरा आए तो आप भी पंचमहल फतेहपुर बाबा की दरगाह पर जाएँ। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आप ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, वॉच माय वीडियो, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्ते।